अधिकारी फिलहाल अपनी 40 केस। अच्छा लगता है, कपल लोग आते हैं तो देखते रहते हैं, क्या करें सिंगल है हम लोग। अच्छा गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एके ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और मजे में होंगे। तो सो गाइज, अभी हम हैं फिलहाल अटल पथ के फेज टू पे। तो आज के ब्लॉग में आज हम इसी के बारे में पूरा अपडेट बताने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बिना समय गंवाते हुए। तो गाइज, अभी हम लोग फिलहाल अटल पथ के फेज टू पे हैं और इधर आपको अभी पूरा मेरीन ड्राइव तक, रोटरी तक दिखाने वाले हैं कैसा दिखता है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा सा राइड कर लेते हैं, इस पे कैसा फील होता है राइड करके आपको, चलिए चलते हैं। तो सुबह जब हम लोग राइड ले रहे हैं, फिलहाल देखिए फराटेदार अपनी गाड़ी निकल रही है और अपनी गाड़ी फिलहाल अपनी 40 के स्पीड से फराटेदार भर रही है। और जो सामने देख रहे हैं आप, ये फिलहाल देख ही दिया गया कि अगर कोई उधर से आए तो उसके आँख में फिलहाल लाइटिंग की परेशानी का सामना ना कर सकें, ठीक ना। तो देखिए फिलहाल हम लोग चल रहे हैं। अभी हम आपको राइड करके दिखाया और कैसा अनुभव का पता चला आपको राइड में पता ही चला होगा। और भाई हमारी गाड़ी फराटेदार 40 की स्पीड से निकल रही थी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी फराटेदार, मतलब कहें तो जेब्रा क्रॉसिंग का कलर किया गया है, हर तरफ बारगेटिंग किया गया है भाई, अनलिमिटेड नज़ारा लग रहा है। पहले तो ही पटना में एक शानदार रोड मिला अटल पथ और उसको जोड़ दिया गया पटना मेरीन ड्राइव से। और मैं अटल पथ की बात करूं तो भाई साहब 7.1 किलोमीटर यह फिलहाल लंबा है। और भाई साहब आप पटना जंक्शन से आप महेश नगर होते हुए आप दीघा तक आ सकते हैं, वो भी फराटेदार 10 मिनट में, ठीक ना। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं फिलहाल इधर अभी रोटरी है, चलेंगे रोटरी के पास भी और आपको दिखाएंगे। और आप वो जो जेपी से तू देख रहे हैं फिलहाल उसमें जानते हैं भाई साहब ट्रेन का वाइब ले सकेंगे आप। और इसका वाइब क्या है भाई साहब, मस्त वाइब आ रही है और सनलाइट जो पड़ रही है ना रोड पर, मतलब एक अलग ही मज़ा दे रहा है। मैं बात करूँ इसकी उद्घाटन की तो उद्घाटन बहुत ही जल्द होने वाला है और पटना मेरीन ड्राइव को कनेक्टिविटी और तेज़ मिलने वाली है। तो आपको मैंने दिखाया कि बड़े बड़े क्रेन थे और तो सो गाइस अभी हम लोग हैं फिलहाल अटल पथ के फेज टू पर और अटल पथ का फेज टू भी अपनी मेरीन ड्राइव से कनेक्ट होने वाली है। एक तो ये खुशखबरी है और जो काम हो रहा है ना वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं फिलहाल जेपी सेतु क्या चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है गंगा नदी के ऊपर। और इस पे रेल का भी मार्ग है और ऊपर रोड होता है और क्या नज़ारा लगता है। और आपको लिए चलेंगे उस जगह, फिलहाल रोटरी है और शाम के समय इस रोटरी पर बहुत सारे लोग आते हैं और गंगा के बगल का इंजॉयमेंट लेते हैं। तो आप आइएगा और देखिएगा, मतलब अटल पथ जो मेरीन ड्राइव से कनेक्ट होने वाला है तो उसी जगह पर हैं। और भाई साहब उस जगह जो नज़ारा है ना दिखाने लायक है। तो चलिए उस जगह पर आपसे मिलते हैं और बताते हैं कैसा दिखता है। तो मैं बात करूं कि जब यहाँ से आप जेपी सेतु, पाटलिपथ, सोनपुर, बीटा तक जा सकते हैं। ये भैया लोग राइड कर रहे हैं भाई साहब, भयंकर वाला राइड। और देखिए शाम का नज़ारा देखिए भाई साहब, अनलिमिटेड लग रहा है, लग रहा है एक तरह से पटना के रोड पर मेला लग चुका हो। और इस साइड भी और इस साइड भी देखिए मेला लग रहा है, लग रहा है भाई साहब दुर्गा पूजा उठ के आ चुका है अपना रोटरी पर और मेला का अनुभव करा रहा है पटना का ये मेरीन ड्राइव रोड। अभी मैंने आपको अटल पथ फेज टू का पटना मेरीन ड्राइव से जो कनेक्ट हुआ था उसको दिखाया और शानदार है, कनेक्टिविटी किया गया है, रोड मार्क किया जा रहा है और मतलब जो पटना जंक्शन से दीघा तक का कनेक्टिविटी है वो शानदार होने वाला है। और यहाँ पर रोटरी पर हमारे एक न्यू सब्सक्राइबर बने हैं तो भैया यहाँ पर फिलहाल हमेशा के लिए आते हैं और यहाँ शाम का समय दीघा सेतु और गंगा के जस्ट बगल का नज़ारा उठाते हैं। तो कैसा लगता है आपको भैया? अच्छा लगता है, कपल लोग आते हैं तो देखते रहते हैं, क्या करें सिंगल हम लोग। अच्छा, तो अच्छा लगता है। और भैया बोले और यहीं से पटना से बिलोंग करते हैं? यहीं से बगल में।
अच्छा बगल में घर है, तो क्या नाम हुआ आपका? मैंने विकास कुमार। अच्छा तो आपने सुना और हमारे न्यू मेंबर थे आप लोग, यार दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के मज़ेदार ब्लॉग्स पाने के लिए।